हे गाइस, चलिए आज हम रिव्यू करते हैं ओप्पो A78 5G का। तो ये फ़ोन अभी मेरे हाथ में है, ब्लैक कलर के साथ है, ग्लोसी शाइनी बैक के साथ। तो ये कैमरा, ये फ़ोन टू कैमराज के साथ आता है। एक मेन कैमरा है 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, सेकेंडरी कैमरा है जो 2 मेगापिक्सल का है। इसको आप एक अनयूजुअल कैमरा ही समझो, जिसका कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है। तो एक कैमरा मान के चले, एक फ्लैश आता है गोल से सर्कुलर के अंदर, और जो इसकी डिस्प्ले है वो 6.58 इंच की डू ड्रॉप डिस्प्ले है, LCD डिस्प्ले के साथ आता है। इसके अंदर कोई AMOLED डिस्प्ले नहीं है, 5G के सारे बैंड मिल जाएंगे। और ये बॉक्सी डिज़ाइन के साथ आता है, आईफोन को जैसे आईफोन में आता है बॉक्सी डिज़ाइन रेक्टेंगुलर शेप के साथ, वही डिज़ाइन को फॉलो किया है। तो ओवरऑल इसका जो भी है, जो कैमरा है, कैमरा सैंपल है, परफॉर्मेंस है, सबको हम बारी बारी से चेक करेंगे और इसके जो फाइनल वर्डिक्ट है उस तक मैं पहुंचूंगा। कैमरा सैंपल भी दिखाऊंगा, फ्रंट कैमरा से, बैक कैमरा से, वीडियो सैंपल भी। तो जो भी होगा अभी आपके सामने होगा। इसी फ़ोन के बैक कैमरा से, फ्रंट कैमरा से मैं वीडियो भी बनाऊँगा, फ़ोटोज़ भी बनाऊँगा। और जो इसमें चिपसेट आता है 700 Dimensity का चिपसेट है, आई थिंक इसका प्राइस 18,000 है। प्राइस को कंसिडर करते हुए आई थिंक ये चिपसेट काफ़ी कमज़ोर ही है, क्योंकि इस प्राइस रेंज में आपको 765 स्नैपड्रैगन मिल जाएगा, Dimensity का 1200 मिल जाएगा। तो आई थिंक ओप्पो मेनली फोकस करता है फ़ोन के ओवरऑल लुक पे, कैसा दिखता है। ये मेनली टारगेट करते हैं ऑफलाइन मार्केट को। ऑफलाइन मार्केट के जो कस्टमर होते हैं वो बेसिकली फ़ोन के जो डिज़ाइन होते हैं उसी को देख के फ़ोन को कंसिडर करते हैं। जो ऑनलाइन कस्टमर होते हैं उनकी प्रायोरिटी रहती है कि उनका डिस्प्ले AMOLED है, कैमरा कैसे हैं, 2-3 कैमराज हैं, टेलीफोटो लेंस है और अल्ट्रा वाइड कैमरा भी है। इसके अंदर कोई अल्ट्रा वाइड कैमरा नहीं है, टेलीफोटो लेंस भी नहीं है, और जो डिस्प्ले है वो भी AMOLED डिस्प्ले नहीं है, नॉर्मल LCD डिस्प्ले है। और मेनली जो इसका चिपसेट है वो भी आपके नॉर्मल डे टू डे टास्क कर देगा, ज़्यादा हैवी टास्क नहीं कर पाएगा। गेमिंग भी अगर आप करना चाहते हो तो आप हैवीली गेमिंग इससे नहीं कर पाओगे, मिनिमम डे टू डे लाइफ के आपके जो टास्क है वो कम्प्लीट कर देगा। अब हम कुछ फ़ोटोज़ के सैंपल देख लेते हैं। तो इसके फ्रंट कैमरा से सेल्फी फ़ोटो ठीक ठाक है, और ये पोर्ट्रेट मोड में देखो बैकग्राउंड बिल्कुल ही ब्लर सा हो गया है। ये इसके रियर कैमरा से फ़ोटोज़ देखिए, आप इन फ़ोटोज़ में जो बैकग्राउंड है बिल्कुल ही डल है, जो ऑब्जेक्ट है वो भी साफ क्लियर नहीं है, काफ़ी ब्लर सा है, हेजी सा है, और डायनामिक रेंज तो बिल्कुल ही लो है। ये कुछ सैंपल है, इसमें ठीक ठाक है, इस सैंपल में भी थोड़ा कैमरा ठीक ठाक है। ये आपको फूल पत्तियों की कुछ फ़ोटो हैं, ये आपकी डायनेमिक रेंज हो गई, इसमें थोड़ा सा कैमरा। जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसके फ्रंट कैमरा से बना रहा हूँ, सेल्फी कैमरा से, मैं आपको कैमरा भी रोटेट करके दिखा देता हूँ कैसा है। अभी मैं सन के अगेंस्ट हूँ, देखिए बैकग्राउंड बिल्कुल ही ब्लर हो गया है, एक्सपोज़र को ठीक से कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। बाकी जो स्किन टोन भी है वो भी काफ़ी डल है, आप देख ही पा रहे हो, काफ़ी वाइटिश कर रहा है स्किन टोन को भी। और जो इसका फेस को डिडक्शन है वो ठीक ठाक है, आई थिंक डायनेमिक रेंज काफ़ी पुअर है। बाकी अगर आप सेल्फी निकालना चाहे तो वीडियो, अगर व्लॉगिंग वगैरह कर रहे हो तो उसके लिए कैमरा नहीं है, काफ़ी एवरेज और पूरी कैमरा है, आप ज़्यादा इसको हाई कंसीडर नहीं कर सकते हो। अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इस फ़ोन के बैक कैमरा से बन रही है, तो आप देखिए जो वीडियो की क्वालिटी है वो कैसी है। फोकस भी मैं आपको एक बार लॉक करके दिखा देता हूँ, फोकस ठीक ठाक लॉक कर लेता है, ज़्यादा अच्छा नहीं बोल सकते हम। अभी मैं डायरेक्ट सनलाइट की तरफ कैमराज को करता हूँ, देखिए डायरेक्ट सनलाइट में मुझे आई थिंक लग रहा है कि डिस्प्ले काफ़ी वाइट सी हो गई है, जो एक्सपोजर को प्रॉपर बैलेंस नहीं कर पा रहा है। देखिए मुझे नहीं लगता कि इसकी जो वीडियो क्वालिटी है वो काफ़ी पुअर है, जो कलर्स भी हैं वो काफ़ी एक्सपोजर काफ़ी हाई है, ग्रीन को काफ़ी ग्रीन दिखा रहा है। ये जो ग्रीन अभी आप देख पा रहे हो इतना ग्रीन नहीं है, थोड़ा सा कलर को भी बूस्ट कर रहा है। तो अभी हम इसकी डिस्प्ले पे नज़र मार लेते हैं।
जो डिस्प्ले वो एमोलेड डिस्प्ले नहीं है, सिंपल फुल एचडी डिस्प्ले है। अभी मैं स्क्रॉलिंग कर रहा हूँ, इसमें कोई हाई रिफ्रेश रेट नहीं है, नॉर्मल रिफ्रेश रेट है, जिससे आपको लगेगा कि स्क्रॉलिंग में आपको कोई मज़ा आएगा, ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। सिंपल टच सैम्पलिंग रेट है, और जो इसकी क्या बोलते जो स्क्रॉलिंग है इसकी ज़्यादा फास्ट नहीं है, ज़्यादा स्लो भी नहीं है, एनिमेशन भी ओके है, और जो बैज है, बैजिंग है, डिस्प्ले की बैजिंग है वो ज़्यादा कम नहीं बोल सकते, नीचे जो बैजिंग है वो काफ़ी बेजल्स हैं, वो थोड़े ही ज़्यादा हैं। अभी मैं इस पर एक फुल एचडी वीडियो कंटेंट प्ले करके दिखा रहा हूँ, तो ये फुल एचडी कंटेंट अभी प्ले हो रहा है, तो देखिए आप ऊपर आपका ये कैमरा है, कैमरा का कटआउट है, नीचे बेजल्स हैं, साइड में भी थोड़े थोड़े बेजल हैं, ठीक ठाक डिस्प्ले है, ज़्यादा ब्राइट डिस्प्ले नहीं है, आपको व्यूइंग एंगल ठीक ठाक आ जाएंगे, ऐसा नहीं है कि एमोलेड डिस्प्ले है, ठीक ठाक डिस्प्ले है। तो गाइस फाइनल वर्डिक्ट पे आ जाते हैं कि आपको ये फ़ोन कंसीडर करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अगर जिसको भी फ़ोन लेना है वो लुक वाइज फ़ोन को जज करते हैं तो वो डेफिनेटली ले सकते हैं, पर मेरे अकॉर्डिंग इसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा है। अगर ये फ़ोन 12 या 13 हज़ार की रेंज में होता और सेम स्पेसिफिकेशन के साथ आता है तो ये ओके फ़ोन था, बट अगर 18 की रेंज को देखते हुए इसमें आपको काफ़ी अच्छे अच्छे फ़ोन मिल जाएंगे, MI के, सैमसंग के, इससे बेटर परफॉर्मेंस में मिल जाएंगे, पर इसकी जो परफॉर्मेंस है वो 12-13 हज़ार के एवरेज फ़ोन के कंपैरिजन की है। तो आप देख सकते हैं, अगर आपको अच्छा लगता है, लुक वाइज अच्छा लगता है आप फ़ोन को, एक ही कैमरा जो है फ्रंट का कैमरा भी काफ़ी एवरेज है, ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो आप देख सकते हैं गाइज। तो चलिए गाइज, इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को ख़त्म करता हूँ, और देखते रहिए मेरे चैनल को, मैं सागर आपसे विदा लेता हूँ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वटटेक चैनल को, और बेल आइकन को भी दबाइए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।